एक्चुअली सांड की आग मीन्स बुलजाई, जो हमारी पिक्चर से बहुत मिलता है, क्योंकि हमारी पिक्चर इज अबाउट शूटिंग और बुलजाई से बेटर टाइटल, सांड की आग से बेटर टाइटल मिल ही नहीं सकता था हमको। एंड वी रियली लाइक द वे सांड की आग साउंड्स, तो इसलिए हमने सांड की आग टाइटल, हमारे डायलॉग में आता था, हमारे डायलॉग राइटर ने सांड की आग में लिखा था डायलॉग, जगदीप करके, उनसे मुझे टाइटल मेरा डायलॉग में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वर्ड सांड की आग बुलजाई, इसलिए हमने वो टाइटल बनाया। बहुत अच्छा रहा यार, सबके साथ काम करके इतना मज़ा आया, पता ही नहीं चला कि 70 दिन हमने कंटिन्यू शूटिंग किया, पर पता ही नहीं चला कि 70 दिन कब खत्म हो गए। इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तापसी भूमि दोनों इतने अच्छे एक्ट्रेसेस हैं, हमेशा एक तापसी बोलती रहती है हम लिमिटेड एक्ट्रेस, पर जैसा कैमरा चालू हो जाता है अनलिमिटेड है वो, तो कुछ लिमिट ही नहीं है उसका, पूरा एकदम बिंदास हो जाती है। सेम भूमि बोलती है, रोज बोलेगी कैमरा के पहले आई एम वेरी नर्वस, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, और जैसा ऑन एक्शन होता है पूरा टेक ऐसा देती है जैसा कुछ पता है, मतलब आउटस्टैंडिंग है दोनों। बहुत इतना मज़ा आया सब, मुझे प्रकाश जी से बहुत मज़ा आया, बहुत लोग ने मुझे डराया था कि प्रकाश जी बहुत स्ट्रिक्ट है ये है, पर उनके जैसा जेंटलमैन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, इतना मज़ा आया उनसे काम करने। इनफैक्ट वो डायरेक्टर है इतने बड़े, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला मुझे जब मैं डायरेक्ट कर रहा था उनको, बहुत मज़ा आया। विनीत के साथ भी इतने अच्छे एक्टर है, इनफैक्ट ऑल द एक्टर्स हमने जो लिए काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टिंग कास्ट किया है, कास्टिंग बहुत अच्छा किया था गौतम ने, गौतम का कास्टिंग इतना अच्छा कि काफ़ी नए लोगों को लिया, पर इतना मज़ा आया सबका काम करने, स्पेशली डायलेक्ट, इतना डायलेक्ट जो था हमारा, बहुत मज़ा आया काम करने में। क्या समझना है यार, ग्रैंड मस्ती भी एक पिक्चर है ऑन इट्स ओन, कमर्शियल पिक्चर है, ये भी मैंने कमर्शियली बनाया है। सांड की आग इज़ अ वेरी कमर्शियल फिल्म, जब आप लोग देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कमर्शियल पिक्चर है। आज जैसा आप बोल रहे टाइटल अलग है, कमर्शियल टाइटल है सांड की आग, नॉट ऑल पैन इंडिया अक्रॉस सबको बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों को मज़ा आ रहा है, सो इट्स अ कमर्शियल, हमने पूरा कमर्शियल पिक्चर बनाया है। मैं हमेशा कमर्शियल फिल्म ही लिखता आया हूँ और कमर्शियल फिल्म ही बनाऊंगा, तो ये भी कमर्शियल फिल्म ही है सब कुछ। हाँ रियलिस्टिक है बिकॉज इट्स अ बायोपिक, बट द वे वी हैव ट्रीटेड दिस फिल्म वी मेड इट लाइक फुल कमर्शियल फिल्म, वेदर इट्स म्यूजिक, कास्टिंग, डायलॉग्स, एवरीथिंग इज कमर्शियल अबाउट दिस फिल्म। यार मैं इस इंडस्ट्री में सब एक्टर्स के पास गया इस रोल के लिए, बट ये आई ऑलवेज वॉन्ट टू से दैट ओनली तापसी एंड भूमि हैड द बॉल्स टू डू दिस फिल्म, दे आर द ओनली टू हीरोइंस हु हैड द गट्स टू डू दिस फिल्म एंड द ओनली टू वुमेन विद बॉल्स टू डू दिस फिल्म, दे आर द टू गर्ल्स हु सेड यस इमीडिएटली व्हेन दे हर्ड द स्क्रिप्ट। ऐसा कोई किसी ने मुझे ना नहीं बोला स्क्रिप्ट सुन के, सबको अच्छा लगा था, बट ऑब्वियसली बिकॉज बुड्ढा बनना इज नॉट ईजी, देयर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दे पुट इन मेकअप एवरी डे 3 आवर्स, डायलैक्ट, शूटिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स वो पुट इन टू दिस फिल्म, सो सब ने, ये दोनों लड़की ने इंस्टेंटली हाँ बोला एंड आई एम सो लकी, इससे बेटर कॉम्बिनेशन मुझे मिल ही नहीं सकता। थैंक यू। आप लोग मेरे को पूछ रहे थे हीरोइन कौन है, हीरो सबसे बड़ा हीरो ये है मेरा बच्चे का, मेरा कैमरामैन सुधाकर रेड्डी, ये आदमी अगर नहीं होता ये पिक्चर नहीं बनता, ये सबसे बड़ा हीरो हमारे पिक्चर का ये है मिस्टर सुधाकर रेड्डी, आई लव इट, आपने पिक्चर बनाया 50 दिन में बहुत बढ़िया काम। Thank you, sir. Cheers, cheers, cheers. Thank you. मतलब ये मुझे अभी पता चला जब ये बात उठी कि सेम एज के लोगों ने क्यों नहीं किया, यंगर लड़कियों को क्यों लेना था। मेरा तो आर्गुमेंट ये था कि आप लोग मुझसे तब तो नहीं पूछा जब आपने, मैं 30 साल की हूँ और मैं कॉलेज का कैरेक्टर करती हूँ, तब तो नहीं पूछता कोई कि आप कॉलेज के बच्चों को क्यों नहीं लेते कॉलेज का रोल करने के लिए, बड़े लोगों को क्यों लेते हैं, 50-50 साल की उम्र में लोग कॉलेज का रोल करते हैं तब तो सब ठीक रहता है, बट अब अगर कम उम्र के लोग ज़्यादा उम्र के लोगों का रोल करें तो उसमें लोगों को क्यों आपत्ति आती है मुझे समझ में नहीं आता, बट चलो ये इसके लिए मतलब मेरा तो रीज़न ये था, बट आई गॉट टू नो फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स लेटर ऑन दैट एक्चुअली अ लॉट ऑफ अदर एक्ट्रेसेस हु आर क्लोजर टू दैट एज
had refused to do the film. नहीं, मैं तो गई थी ये पिक्चर करने आगे से. मैं तो ढूंढती हुई गई थी कि मुझे एक ऐसी पिक्चर चाहिए जिसके अंदर दो हीरोइने हों या इस तरह का चैलेंजिंग कुछ रोल हो जो मैंने अभी तक किया ना हो. और ये जब सुनाई मुझे सुनने को मिला तो मैंने तो एक मिनट में हाँ कर दी थी. लग रहा है मुझे अभी. हाँ, प्रोड्यूसर. हाँ, डेब्यू. अरे आई थिंक देव रियली स्पॉइल्ड मी. दिस इज नॉट डन. दिस इज मीट माई प्रोड्यूसर निधि. वेयर इज द डायरेक्टर? आई डोंट नो. हाँ, सो या आई मीन हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए पार्टी हो रही है कि वी हैव फाइनली गॉटन डन विद इट हैप्पीली. हम सारे मिलेंगे पिक्चर खत्म होने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओह माय गॉड, ये बिल्कुल नहीं थे सेट पे. ये चार दिन आए पूरे टाइम सेट पे. इनको काफी बारी बुलाया गया इनको. ये सेट पे नहीं आए, डिसाइड करके पीला पीला पहना. ये ऐसा कुछ नहीं है, बट इनको काफी बार बुलाया गया. इन्होंने बिल्कुल प्रोड्यूसर की जो भूमिका थी वो दूर से फोन पे निभाई है. और बिल्कुल सेट पे ना आके करना पड़ता है. हाँ, बहुत ज्यादा काम है इनको. इंडस्ट्री के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंधों के ऊपर है. अब ये बात करेंगे, ये जब बात करते हैं बाकी कोई और बात नहीं करता. चल, इस डायरेक्टर के लिए नहीं, इस रोल के लिए, इस उम्र के लिए, इस उम्र के लिए. मैंने किसी को नहीं मनाया है, तुषार की स्क्रिप्ट ने मनाया इनको. मेरे को तो फोन भी नहीं करना पड़ा. वो हमारे जो ये है, इसका नाम लिखा है तुषार हीरानंदानी. ये और इनके जो राइटर जो हैं, उन्होंने जो मिलके जो स्क्रिप्ट लिखी थी और उनका जो नरेशन है, उसने सबको मनाया. हाँ, उसने मुझे भी मनाया. ठीक है, जय. जैसा कि टैगलाइन है, तन बुढ़ा होता है लेकिन मन बुढ़ा नहीं होता, तो आप बताइए कि आपके बुढ़ेपन से रिलेट करता है. मेरा तन बुढ़ा है ना मन बुढ़ा. किसने कहा? उम्र कितनी हुई है बताओ अपनी सबको. 50 होने वाला हूँ. हाँ, तो बस फिर अब देख लो ना. अरे लगता है बुढ़ा नहीं लगता. आपको डेडिकेटेड है ये मन. तो मेरा मन या तो 100 साल का होता है या 2 साल का होता है. चंचल मन. मैं तो 2-5 में रहता हूँ या 100 में रहता हूँ. इनका चंचल मन है. चंचल कितना प्रेशर? यार प्रेशर तो हर चीज पे होता है. मैं तो प्रेशर सुबह से उठते ही आ जाता था. I don't want to go into this further conversation. मैं तो रोज प्रेशर होता है, हर चीज पे होता है. मतलब अब क्या बताऊं, हर फिल्म पे, हर काम पे. मैं तो सारा दिन काम करता हूँ, रोज काम करता हूँ. 26 साल हो गए काम करते करते, मैं तो रुका ही नहीं हूँ आज तक. अभी तक काम मिल रहा है आपको, कितना अच्छी बात है. कितने मैं तो हर दिन काम करता हूँ 26 साल. अरे चल रहे हैं, बताएंगे नेटफ्लिक्स वाले, बताएंगे. उनके ऊपर है बताना, मेरे हाथ में नहीं है. मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा उनके साथ है, वो बताएंगे. मैं ये बता देता हूँ, ये दिवाली पे आ रही है. ये पहला फेस्टिवल, मेरी फिल्म हमेशा कान फेस्टिवल जाती है, इधर उधर फेस्टिवल जाती है. पहली फिल्म है जो दिवाली फेस्टिवल पे आई. मेरा पॉलिटिकल व्यू के बारे में जो कहना है मैं खुद ही कहूँगा ट्विटर पे, मैं मीडिया के सामने नहीं कहता. डिफरेंस मतलब मैंने यही देखा है कि मज़ा आता है जब आप इंटरेस्टिंग काम करते हैं, इंटरेस्टिंग किरदार करते हैं. ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. आई थिंक तापसी एंड फॉर मी बोथ, वी हैव नेवर प्लेड, मतलब हम लिटरली डबल आर एज ऐसे किरदार प्ले कर रहे हैं जिन्होंने एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी छोड़ी है हिंदुस्तान के लिए. उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है, उन्होंने लिटरली अपने इकोसिस्टम को चेंज किया. तो इस फिल्म में एक बहुत बड़ा चैलेंज था डेफिनेटली, बट आई थिंक चैलेंज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम रिस्पॉन्सिबली और बहुत प्यार से इन दोनों दादियों की कहानी बता पाए. एंड बहुत मज़ा आया. इट्स वेरी 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 क्लोज टू मी. मैम
जी जहन में आता है कि आई होप मेरे डायरेक्टर खुश है हमारी लुक से और हमारे काम से. रोज़ जब मैं तैयार होती थी लिटरली यही रहता था मेरे दिमाग में कि आई होप आज काम अच्छा जाए. बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है जैसा मैंने पहले भी कहा, तो इस फिल्म में ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ वर्क नहीं हो सकता था. वी बोथ हैड टू गो लाइक बियॉन्ड और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि आज हम दिन में क्या करेंगे, कि सेट पे इतना मज़ा करते थे हम. तन बुड्ढा हो मन बुड्ढा नहीं. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ही नहीं समझ. सिर्फ जवान मतलब ये तो किरदार कर रहे हैं, ये तो कैरेक्टर कर रहे हैं. बॉलीवुड में एक कंपटीशन का भी ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह फिल्में सक्सेस हो रही है उस तरह हर एक आर्टिस्ट को एक दूसरे आर्टिस्ट से जोड़ा जाता रहा है, कंपेयर करता है, तो उस पर किसे आप सबसे ज़्यादा किसे कंपटीशन? यार आई थिंक कंपटीशन की बात नहीं है. आजकल हर टाइप के एक्टर्स के लिए देयर इज अ स्पेस. आज इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है कि वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती. आई थिंक वी ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर्स वर्क और हम सब चाहते हैं कि हमारी फिल्में अच्छा करें, हमारे काम को अप्रिसिएशन मिले. सो आई थिंक जितने भी मेरे कलीग्स हैं दे आर ऑल सो कॉम्पिटेंट एंड ब्रिलियंट दैट आई गेट इंस्पायर्ड व्हेन आई लुक एट देम. दिवाली को बम फूटेंगे, बम गोलियां चलेंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू सो मच.